हाय, इस वीडियो में हम सात्विक रोटी बनाने का तरीका सीखेंगे। साधारण रोटी और सात्विक रोटी में क्या अलग है? साधारण रोटी हम पूरी तरह आटे की बनाते हैं, लेकिन सात्विक रोटी में हम 50% आटा और 50% सब्जी डालते हैं, जैसे चुकंदर, पालक, गाजर, मेथी, घिया, कोई भी मौसम की सब्जी। ऐसा हम क्यों करते हैं? देखिए, आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में जब हम ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करते, पूरा टाइम बैठने करने का काम करते हैं, तो आटे को भी अकेले नहीं डाइजेस्ट कर पाते। लेकिन आटे में सब्जी मिलाने से रोटी हल्की हो जाती है और आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। अगर साधारण रोटी को डाइजेस्ट होने में लगते हैं 18 घंटे, तो सात्विक रोटी को लगेंगे करीब सिर्फ 9 घंटे। आपके खाने का अच्छे से डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका खाना पूरी तरह नहीं पचता, वो अंदर पड़ा सड़ता है और बीमारी में कन्वर्ट होता है। यदि आप ऐसा खाना खाएं जो जल्दी से अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाए, तो आपको कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। तो आइए शुरू करते हैं चुकंदर की चपाती से। पहले चुकंदर को मोटा मोटा काट लीजिए, फिर उसको इस तरीके से बारीक कद्दूकस कर लीजिए। एक कप कद्दूकस किया हुआ चुकंदर ले लीजिए और एक कप गेहूं का आटा। दोनों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लें। ज़रूरत पड़े तो उसमें थोड़ा पानी डाल लें और फिर इस तरीके से आटे को गूंथ लें। आटे को गूंथकर 15-20 मिनट के लिए एक कटोरी में डालकर ढककर छोड़ दीजिए। ऐसा करने से आपकी रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। फिर उस आटे की लोई बनाकर उसको बेल लीजिए, जैसे आप सामान्य तरीके से घर पे रोटी बेलते हैं। हो सकता है कि आपकी रोटी बिल्कुल गोल ना बेले, क्योंकि इसमें हमने बहुत सब्जी मिलाई है। फिर एक मिट्टी का तवा ले लें और रोटी को धीमी आंच पर तवे पे सेक लीजिए। चाहे तो कपड़े से दबा भी सकते हैं ताकि रोटी अच्छे से फूल जाए। सीधा आँच पर ना सेकें, वैसा करने से इसके सारे न्यूट्रिएंट, सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और ये बन गई आपकी सात्विक चुकंदर की रोटी। इसका कलर बहुत ही सुंदर आता है। सब्जी मिलाने से रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह आप पम्पकिन यानी सीताफल की रोटी भी बना सकते हैं। पहले सीताफल को मोटा मोटा काट लीजिए और फिर मिक्सी में उसका पेस्ट बना लीजिए। फिर एक कप पेस्ट और एक कप गेहूं का आटा लेकर दोनों को मिक्स करके उस आटे को गूंथ लीजिए। उसकी रोटी बेलकर मिट्टी के तवे पे सेक लीजिए। आप देखेंगे कि जब आप सब्जी का पेस्ट बनाकर रोटी बनाएंगे, तो रोटी अच्छी तरह फूलती है। सीताफल की रोटी हल्की मीठी मीठी होती है। इसी तरह आप पालक की रोटी भी बना सकते हैं। पालक लीजिए और उसको मिक्सी में थोड़े पानी के साथ पेस्ट बना लीजिए। एक कप पालक का पेस्ट और एक कप गेहूं के आटे को मिलाकर उसको मिक्स कर लें और उसका आटा गूंध लें और फिर उसकी रोटी बना लें। ऐसे ही आप खीरे की रोटी भी बना सकते हैं। खीरा लेकर उसको मिक्सी में पेस्ट बना लीजिए। एक कप खीरा और एक कप आटे को गूंध ले और फिर आपको पता ही है क्या करना है। ऐसे ही आप मौसम के अकॉर्डिंग अलग अलग सब्जी की रोटी बना सकते हैं। गर्मियों में आप तोरी की रोटी, घिया की रोटी, परवल की रोटी, धनिया की रोटी, चौलाई की रोटी बना सकते हैं और सर्दियों में आप गाजर की रोटी, मेथी की रोटी, चुकंदर की रोटी, बथुए की रोटी बना सकते हैं। आप देखेंगे कि रोज़ आपके घर में अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग कलर की रोटी बन रही होगी। गेहूं को पचाना मुश्किल होता है, लेकिन इस तरीके से अगर आप एक रोटी खाते हैं, तो आपके पेट में गेहूं सिर्फ आधी रोटी का जाता है। अगर आप दो रोटी खाते हैं, तो गेहूं सिर्फ एक रोटी का पेट में जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डबल रोटी खाने लग जाएं। जितनी पहले खाते थे उतनी ही खानी है। एक और बात, अगर आप एक रोटी खाते हैं तो दो कटोरी सब्जी खाइए, दो रोटी खाते हैं तो चार कटोरी सब्जी खाइए, यानी रोटी कम खानी है और सब्जी ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि मैं आपको इस रोटी के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी बातें बताने वाली हूँ।
और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सात्विक रोटी बनाते समय आपको चार बातों का खास ध्यान रखना है। पहली, रोटी पे ऊपर से कोई घी नहीं लगाना। दूसरी, आटे गूंथते समय उसमें नमक मिर्च नहीं मिलाना। तीसरी, ये रोटी आपको मिट्टी के तवे पे ही बनानी है। जितना आपका खाना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी ये कि आप उस खाने को किस मटेरियल में बनाते हैं। एल्युमिनियम सबसे डेंजरस मटेरियल है। अगर आपने आज एक नया एल्युमिनियम का बर्तन लिया और उसका वज़न किया, फिर 3 साल बाद यूज़ करने के बाद फिर से उसको वज़न किया, तो आपको उसका वज़न कम हुआ हुआ मिलेगा। तो वो सारा एल्युमिनियम कहाँ गया? हमारे पेट में और हमारी फैमिली के पेट में। अगर आपकी किचन में एल्युमिनियम के बर्तन यूज़ होते हैं तो उनको अभी निकाल दीजिए। सबसे बेस्ट है मिट्टी के बर्तन। हमारे पूर्वज सब मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे और वो एक कारण है कि वो इतनी स्वस्थ ज़िंदगी जीते थे। आयुर्वेद हमें बताता है कि हमारा खाना धीरे धीरे पकना चाहिए, यानी हमें स्लो कुक्ड फूड खाना चाहिए। हाई टेम्परेचर पे पकाने से सारे पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो मिट्टी के बर्तनों पे बनाया हुआ खाना धीरे धीरे पकता है और इसीलिए खाने के पोषक तत्व ख़त्म नहीं होते। मिट्टी के तवे पे बनाई गई रोटी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आजकल मिट्टी के तवे बहुत आसानी से मिलने लगे हैं। आप इसको छोटी मिट्टी की दुकानों से खरीद सकते हैं। याद रखें कि आपको नॉन कोटेड वाले तवे ही लेने हैं। या फिर आपके लिए इसको ईजी बनाने के लिए हमने कुछ नॉन कोटेड तवे अपनी वेबसाइट पर भी अवेलेबल किए हैं। ऑर्डर करने का लिंक आपको इस YouTube वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिट्टी के बर्तन यूज़ करते हुए आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। पहली, मिट्टी के तवे पे रोटी बनाते हैं तो उसको तेज़ आंच पे नहीं पकाना, उससे तवा टूट जाता है, उसको धीमी आंच पर ही रखना है। दूसरी, मिट्टी के बर्तनों को धोने के लिए साबुन ना इस्तेमाल करें, क्योंकि वो साबुन को सोख लेता है। सफाई करने के लिए उसको कपड़े से रगड़कर पानी से साफ करें। चौथी, चोकर वाला आटा इस्तेमाल करें। बिना चोकर के पैकेट में मिलने वाला आटा बिल्कुल बेकार है। हमारा खाना पेड़ पौधों से आना चाहिए, फैक्ट्रीज और पैकेट से नहीं। पैकेट वाले आटे में चोकर यानी गेहूं की आउटर लेयर को निकाल दिया जाता है और वो चोकर ही है जिसमें अंदर के बीज को पचाने की शक्ति होती है। सारे न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व होते हैं। माँ प्रकृति ने हमें जो भी दिया है बहुत सोच समझ कर दिया है। हमें उसे अपनी मर्जी से अलग नहीं करना चाहिए। बिना चोकर के आटा खाना ऐसा है जैसे हमने आम तो फेंक दिया और अंदर की घुटली खा ली। बिना चोकर का आटा हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हमारी इंटेस्टाइन यानी आंतों में जाकर वो चिपक जाता है। तो क्या करें? अपना गेहूँ खुद खरीदें और उसको किसी चक्की से पिसवाएं। या फिर आजकल घर पे रखने के लिए आटा पीसने वाली छोटी मशीन्स भी मिलने लगी हैं। याद रखें, रोटी बनाने से पहले आटे को छानना नहीं है, वो फिर चोकर को अलग कर देता है। तो आई होप कि आप ये सात्विक रोटी बनाना शुरू करेंगे। अगली वीडियो में हम सब्जी को सात्विक तरीके से बनाना सीखेंगे। ऐसी और हीलिंग रेसिपीज़ के लिए सात्विक फूड बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करें। इस बुक में बताया गया है कि आप कैसे किसी भी बीमारी को सिर्फ अपना खाना बदल कर बिना दवाई से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इसमें करीब 50 हीलिंग रेसिपीज़ दी गई हैं। इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे पुराने शास्त्रों पर आधारित हैं और जो रेसिपीज़ हैं वो आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर रेसिपी का सात्विक वर्जन बनाना सीखना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी फ्यूचर वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। अभी के लिए इतना ही, हम वापस फिर मिलेंगे।